वेलकम टू रैकअप एकेडमी। रैकअप एकेडमी में आपका स्वागत है। तो एकेडमी ने तो आपको करीब एक वीक से लेक्चर तो नहीं प्रोवाइड किया था, बिकॉज कुछ प्रॉब्लम थी। तो उस प्रॉब्लम्स के कारण एकेडमी आपको लेक्चर नहीं प्रोवाइड कर पाई थी। तो एकेडमी आपको कल से रेगुलर फिर आपको लेक्चर प्रोवाइड कराएगी, जो भी आपका रिमेनिंग बचा है, चाहे थी वो RCT हो, DSMS है, बहुत तेज़ी से आपका कवर करा दीजिएगा। फिर आपका करीब RAC तो कंप्लीट हो गया, मैकेनिक्स भी थोड़ा बाकी है और हाइड्रोलिक्स का भी डिमांड था, तो बच्चा हाइड्रोलिक्स भी आपका डाल दिया जाएगा। तो एकेडमी एक आपको इन्फॉर्मेशंस दे रही है, वो इन्फॉर्मेशंस ये है कि एकेडमी अब नॉन टेक्निकल का एक अलग चैनल बनाने जा रही है, बना चुका है एकेडमी। तो उसका जो नाम है रैकअप नॉन टेक, और इस चैनल पे आपको सिर्फ नॉन टेक्निकल मिलेगा। इस चैनल पे आपको सिर्फ नॉन टेक्निकल मिलेगा। आप कहोगे सर नॉन टेक्निकल किस लिए? बिकॉज अगर आप जेई का जितने भी एग्जाम लोगे बेटा, जेई का जितना भी एग्जाम लोगे उसमें 50% और 50% का वेटेज होता है। 50% अगर आपका टेक्निकल है तो 50% क्या होगा आपका? नॉन टेक्निकल होगा। तो आप टेक्निकल कितना भी अच्छा से पढ़ लो, अगर आपका नॉन टेक्निकल नहीं क्लियर है ना, तो आप जेई बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। आप समझ सको आप 50% पूरा स्कोर कर लियो यार, और अगर आपका नॉन टेक्निकल नहीं है अच्छा, आप सिर्फ 10% स्कोर कर पाए, कितना बना? 60% में सिलेक्शन नहीं होता है, आपको 70 क्रॉस करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें आप 50 तो कर नहीं पाओगे टेक्निकल में, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प लेना पड़ेगा। किसका? नॉन टेक्निकल का हेल्प लेना पड़ेगा, और नॉन टेक्निकल का हेल्प लेना पड़ेगा। इसलिए आपको एकेडमी जो है, एक रैकअप एकेडमी है, वो तो आपका जेई का चैनल है, स्पेशली जेई का ही है। और जो सेकंड हम लोग का चैनल लॉन्च होने जा रहा है, उसका नाम है रैकअप नॉन टेक। तो इस पे आप जाके विजिट करिएगा बेटा, ठीक है? इस पे आपको लेक्चर, आपको उसे लेक्चर कब से प्रोवाइड होगा? लेक्चर सभी थोड़ा सा लॉकडाउन के कारण नहीं, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा जस्ट आफ्टर दैट स्टार्ट हो जाएगा आपका। या लॉकडाउन से थोड़ा आप 8 से 10 दिन बाद भी आपका इस पे लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। अब कौन से सर क्या पढ़ाएंगे, वो आपको लेक्चर पढ़ने से पहले इस चैनल पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा कि आपका GS कौन पढ़ाएगा, मैथमेटिक्स कौन पढ़ाएगा, रीजनिंग कौन पढ़ाएगा, इंग्लिश ग्रामर कौन पढ़ाएगा, हिंदी ग्रामर कौन पढ़ाएगा। अलग अलग आपकी फैकल्टी रहेगी, कौन सा वो डिसाइड करके आपको बताया जाएगा, वो आपको एकेडमी के चैनल पे डाल दिया जाएगा। स्पेशली जो भी टीचर जो भी पढ़ाएगा, वो सारे लोग जो भी पढ़ाएंगे उसमें एक्सपर्ट ही रहेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया, कितना इंपॉर्टेंट है नॉन टेक्निकल का, वो मैंने यहाँ से कवर कर दिया, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि अब बहुत सारे लोग जेई के लिए क्या होता है, उनके पास डिप्लोमा इंजीनियरिंग का डिग्री होता है, साथ साथ में वो ग्रेजुएशन भी किए रहते हैं, या इंटर से आते हैं, वो 12 से आते हैं, या वो ग्रेजुएशन तो कर ही लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं। तो अब 12th और ग्रेजुएशन के बेस पे भी नॉन टेक्निकल में वैकेंसी आती है, जैसे CHSL हो गया, CGL हो गया, SSC CGL, SSC CHSL, 10+2 आपका लेखपाल हो गया, UPSI हो गया, PCS हो गया, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, तो CTET, सुपर टेट, इस टाइप के बहुत सारे नॉन टेक्निकल एग्जाम होते हैं। तो वहाँ भी बच्चे जाके फाइट करते हैं, ऐसा नहीं जेई आप हैं वहाँ भी जाके फाइट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर नॉन टेक्निकल पढ़ेंगे तो वो जेई में तो काम देगा, साथ साथ में बेटा ना आपका नॉन टेक्निकल में भी आप फाइट कर सकते हो, बिकॉज स्टूडेंट का मेन जो प्रायोरिटी होती है वो कहीं ना कहीं जॉब पाना, अपना रोजगार स्टार्ट करना गवर्नमेंट सर्विस में। ज़रूरी तो पसंद तो खाकर बैठा नहीं है कि वो जेई बंदा करेगा, तो नॉन टेक्निकल में भी वो इंटर कर सकता है। इसलिए एकेडमी जो है रैकअप नॉन टेक, रैकअप नॉन टेक, रैकअप नॉन टेक के नाम से चैनल है। तो सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है, जो भी देख रहा है या और, तो उसे बोल देना ये चैनल जो है सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे हम लोग को कॉन्फिडेंस मिले, जिससे हम लोग लेक्चर जल्द से प्रोवाइड करें। ज़्यादा से बच्चे के पास शेयर करें, और उनसे रिक्वेस्ट करें सारे लोग सब्सक्राइब करें, जैसे हम लोग आपको फ्री पॉज आपको बेस्ट लेक्चर दिया जाए नॉन टेक्निकल से, मैथ्स का भी, आपका रीजनिंग का, GS, इंग्लिश और ग्रामर का। तो सारे बच्चे क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब करें, एकेडमी मोटिवेट होगा, स्टाफ मोटिवेट होगा, तो आप लोग को जल्द से जल्द आपका नॉन टेक्निकल का जितना भी मैटर होगा बाई ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करेगी। और GS में आपका इकोनॉमिक्स आप लोग जान ही रहे हैं, 4 लेक्चर पढ़ी चुका था बैठने से जेई वाले क्लास में, रैकअप एकेडमी के चैनल में बाय अनीस सर। और जो कि ये ऑथर है, इनकी बुक भी चलती है, अनीस सर की बुक भी चलती है, 4 पार्ट पढ़ चुका है। तो वो तो एकेडमी से, तो वो स्पेशलिस्ट हैं इकोनॉमिक्स का, तो वो इकोनॉमिक्स तो वही देखेंगे,
और भी ज़्यादा वो स्पेशली आईएएस पीसीएस के ही हैं, उनको एक्सपीरियंस है, करीब 13 से 14 साल का एक्सपीरियंस है। तो अगर आप और डेप्थ में इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो फिर उनका भी एक चैनल है, रेडिएशन अकेडमी। तो वो स्पेशली इकोनॉमिक्स के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, वो अकेडमी के ही स्टाफ हैं, अकेडमी के ही फैकल्टी हैं। तो वहाँ से भी और डेप्थ में पढ़ना हो तो रेडिएशन पर चले जाइएगा इकोनॉमिक्स के लिए। तो अकेडमी आपका जो स्टार्ट कर रहे हैं रैकअप नॉनटेक, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। और बेटा जान लेना, कंपटीशन तभी क्वालिफाई कर पाओगे जब टेक्निकल के साथ नॉन टेक्निकल दोनों को पैरेलल मिले चलो। ऐसा ना आप एक पे ज़्यादा फोकस करो, एक पे ज़्यादा फोकस करोगे तो पक्का है कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का टेक्निकल अच्छा नहीं होता है, नॉन टेक्निकल से अगर वो कवर कर लेंगे, बाय द वे SSC JEE 200 मार्क्स, 100 आपका टेक्निकल और 100 आपका नॉन टेक्निकल, 100 में 50 आपका GS और ये 50 कितना होता है बेटा, ये रीजनिंग होता है, ये रीजनिंग 200 का मार्क्स को बनता है। तो आप ये बताओ जो कट ऑफ जाएगा, बाय द वे आप सिविल इंजीनियर हो, 125 लेते हैं, अब 125 लेते हैं, अगर आपका अब टेक्निकल बहुत अच्छा नहीं है, अब नॉन टेक्निकल है, इसमें बेटा 50 में आप 40 मार दो आसानी से हो जाता है, इसमें आप 20 मार दो तो कितना हो जाएगा, 40-20-60 हो जाएगा, है कि नहीं। और यहां से आप 100 में 70 मार दो तो 70 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 130 हो गया। आपको चाहिए कि इतना 125 आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं नॉन टेक्निकल भी बहुत ज़्यादा फोकस करिए, बिकॉज जितने भी जेई होगा बिना नॉन टेक्निकल फोकस किए आप नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए एकेडमी आपका रैकअप नॉन टेक से आपका एक इंडिविजुअल चैनल बनाया जा रहा है जो नॉन टेक्निकल का ही लिए होगा। तो सारे बच्चे जाके सब्सक्राइब करेंगे, कॉन्फिडेंस मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक शेयर करेंगे। और बेटा जो भी आपका जो जेई का जो है, जो भी आपका RCT GCMS और या RCC RCT DSMS और RAC मैकेनिक्स जो भी जितना है, तो वो आपके कल से मिलेगा और थोड़ा सा तेज़ी से मिल जाएगा आपको, उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, आसानी से आपको मिल जाएगा। और जैसे लॉकडाउन जैसे लॉकडाउन आपका फिनिश होगा उसके बाद एकेडमी लाइव क्लास स्टार्ट करेगी। तो जो बहुत सारे बच्चे का कमेंट आता था लाइव क्लास चलाइए, तो लाइव क्लास बहुत जल्दी चलने वाले हैं, जैसे पूरे प्लान में एकेडमी जैसे लॉकडाउन खत्म होगा तो ऑनलाइन स्टार्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके, थैंक यू।